हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हूँ आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी अमेरिका के रहने वाले 35 वर्षीय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टिम चेन के बारे में, जिन्हें सन 2008 में मंदी के समय अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। टिम चेन ने अपने घर से मात्र 52,000 रुपए यानी लगभग $800 से अपनी कंपनी की शुरुआत करके कुछ ही वर्षों में उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए की बनाकर अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। जब दुनिया में अक्सर किसी भी शख्स को किसी कारण से नौकरी छूट जाती है और वह बेरोजगार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा सोचे गए सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं और उसका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा तनावपूर्ण जीवन बिताने से बचने के लिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे शख्स भी मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी पहचान नौकरी खोकर भी सफल एंटरप्रेन्योर बनकर बना रखी है। तो चलिए जानते हैं इस बेरोजगार शख्स टिम चेन की कहानी के बारे में कि कैसे उन्होंने बेरोजगार होते हुए भी करोड़ों रुपए का सक्सेस एम्पायर खड़ा करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बनकर सभी के लिए मिसाल बन गए। सन 2008 में अमेरिका के सक्सेसफुल बिजनेसमैन टिम चेन को अपनी नौकरी से मंदी के दौरान हाथ धोना पड़ा और वे बेरोजगार हो गए। जब 25 दिसंबर को दुनिया का हर शख्स क्रिसमस की खुशियां मनाता है, वहीं अमेरिका के टिम चेन को अपनी नौकरी छूट जाने के बारे में जानकारी मिली। उन्हें इस बात की जानकारी मिलने से काफी आहत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी इस नौकरी से अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सपने पूरा करने और भविष्य में कुछ बनने का सपना रखा था। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने कई नौकरियों के इंटरव्यू दिए परंतु उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। सन 2010 में उन्होंने अपने घर से $800 यानी लगभग 52,000 रुपए लेकर अपनी निराड वॉलेट के नाम से कंपनी की नींव रखकर बिजनेस स्टार्ट किया। टिम चेन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित स्टीफन फोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रखी है। टिम चेन बताते हैं कि यदि क्रिसमस वाले दिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिलती तो शायद आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। वे अपने जीवन में कुछ बनने की चाहत की वजह से वे इस घटना को अपने लिए शुभ मानते हैं। एक इंटरव्यू में टिम चेन बताते हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उनकी बहन किम से मिले काम को करने से उन्हें अपनी खुद की कंपनी का स्टार्टअप करने का आइडिया मिला। उन्होंने सन 2010 में पार्सल फाइनेंस वेबसाइट नर्ड वॉलेट का स्टार्टअप शुरू किया। उन्हें एक बार उनकी बहन ने मेल किया और यह पता लगाने के लिए कहा कि किस बैंक में क्रेडिट कार्ड की फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद जब उन्हें इस काम करने के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, तब उन्होंने किसी तरह से फाइनेंशियल अनुभव का सहारा लेते हुए इस काम की जानकारी प्राप्त कर अपनी बहन किम की मदद करी और यहीं से टिम चेन ने अपनी खुद की कंपनी का स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया मिला। टिम चेन को जब अपनी बहन के काम को करने में फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंध में समस्या आई, उन सभी समस्याओं पर विचार करते हुए उन्होंने इस पर एक स्टार्टअप की झलक दिखी। जल्दी उन्होंने नर्ड वॉलेट के नाम से अपनी कंपनी नर्ड वॉलेट का स्टार्टअप अपने घर से 52,000 रुपए की जमा पूंजी से शुरुआत की, जिसमें डोमेन फीस, वेब होस्टिंग और सॉफ्टवेयर फीस भी शामिल है ताकि अन्य लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अपने कंपनी की वेबसाइट लॉन्च के 9 महीने के पश्चात ही टीम को आर्थिक परेशानी होने लगी, जिस वजह से उन्होंने अपने घर में शिफ्ट होकर अपनी महिला मित्र के घर में मजबूरी से रहने लगे और इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी नर्ड वॉलेट की वेबसाइट पर 16 से 20 घंटे प्रतिदिन काम करने के पश्चात उनको पहले वर्ष में केवल $5,000 यानी $75 की कमाई हुई। परंतु उन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट को लगातार काम करते रहे और जल्दी दूसरे वर्ष में उनकी कंपनी का रेवेन्यू $40,00,000 यानी $60,000 हो गया। उसके बाद तो टीम ने अपनी कंपनी की रफ्तार तेजी से बढ़ा ली और उन्होंने अपने जीवन में आगे ही बढ़ते गए। जब टीम चेन की कंपनी नर्ड वॉलेट की वेबसाइट में धीरे धीरे विजिटर की संख्या बढ़कर मंथली 1 करोड़ से अधिक हो गई। सन 2015 में टीम चेन की नर्ड वॉलेट को 7.3 करोड़ यानी 1.10 लाख करोड़ का फंड प्राप्त हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है जब कोई शख्स क्रेडिट कार्ड या कोई प्रोडक्ट के बारे में नर्ड वॉलेट की वेबसाइट पर क्लिक करके साइन अप करता है तो उन्हें पैसे मिलते हैं। आज टीम की कंपनी का रेवेन्यू 3300 करोड़ रुपए से अधिक है, जो कभी उन्होंने अपने घर से केवल अपनी जमा पूंजी के 52,000 रुपए से शुरू की थी। उन्होंने अपनी कंपनी का ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में बना रखा है, जिसमें करीब 400 से अधिक लोग रोजगार के तौर पर कार्यरत हैं। आज वे लोगों के बीच एक अच्छे फाइनेंशियल किंग के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, यदि हम हिम्मत और लगन से काम करते हैं तो हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, जैसे अमेरिका के टिम चेन ने बेरोजगार होते हुए भी 3300 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनकर लोगों के बीच में अपनी मिसाइल कायम की हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी है उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।